सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर सके। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों हॉलीवुड्स की कुछ मूवीज हिंदी में रिलीज नहीं हो रही है, तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड, रिसेंटली एक और मूवी रिलीज हुई है जिसे मेरे हिसाब से तो हिंदी में रिलीज होना चाहिए था, और वो फिल्म है रेडी प्लेयर वन। लेकिन वो फिल्म भी हिंदी में रिलीज नहीं हुई। इसके पहले भी हॉलीवुड की कुछ मूवीज आई थी जिन्हें हिंदी में रिलीज होना चाहिए था, लेकिन वो सभी फिल्में हिंदी में रिलीज नहीं हुई, जिसके मैं आपको नाम बता देता हूँ। और वो सभी फिल्में हैं डंकर, सुसाइड स्क्वाड, वंडर वुमेन, 12 स्ट्रॉन्ग, जियोस्ट्रॉम, और एक दो हफ्ते पहले रिलीज हुई थी टॉम राइडर। ये सभी फिल्में हिंदी में रिलीज नहीं हुई, जबकि ये सब फिल्में हिंदी में रिलीज होनी चाहिए थी। तो उसका रीजन है हमारे इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर। जी हाँ, हमारे इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर इन सभी फिल्मों को नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा लॉस हो रहा है, और ज्यादातर तो डिस्ट्रीब्यूटर वार्नर ब्रदर्स की फिल्में नहीं खरीद रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि वार्नर ब्रदर्स अपनी अच्छी फिल्में भी अब डिस्ट्रीब्यूटर को देना नहीं चाहता, क्योंकि जब मैन ऑफ स्टील मूवी रिलीज हुई थी तब तक सब ठीक था। उसके बाद जब बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी आई तो चीजें थोड़ी बिगड़ गई, क्योंकि उस फिल्म से डिस्ट्रीब्यूटर्स को काफी ज्यादा लॉस हुआ, जिसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स ने सुसाइड स्क्वाड जैसी मूवी नहीं खरीदी। उसके बाद वंडर वुमन भी उन्होंने छोड़ दी, उन्हें लगा कि इस चीज से उन्हें नुकसान होगा, जबकि इन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखाया। फिर उसके बाद आई इट, कॉन्ग द स्कल आइलैंड और एनाबेली। ये तीनों फिल्म हिंदी में रिलीज हुई थी। तो इस फिल्म से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसी मूवी पकड़ते हैं। वो सिर्फ फेमस मूवीज पर ही ध्यान देते हैं जिनके बारे में हमारी इंडियन ऑडियंस जानती है, और इन तीनों फिल्म का अच्छा खासा रिस्पांस मिला था हमारे इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर्स को। और बाकी की फिल्में जैसे कि मैंने बताया, टॉम राइडर, डंकर, सुसाइड स्क्वाड, वंडर वुमन, 12 स्ट्रॉन्ग और जियोस्ट्रॉम, इन सभी फिल्मों को कोई भी नहीं पहचानता है हमारे इंडिया में, इसलिए ये सब फिल्में हिंदी में डब नहीं हुई। और रेडी प्लेयर वन के बारे में तो काफी कम लोगों को पता होगा, तो अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स इन फिल्मों को लेंगे और उसे हिंदी में डब करेंगे और ये फिल्म उनके बजट के हिसाब से कमा नहीं पाएगी तो उन्हें एक लॉस ही होगा, इसलिए वो अपने पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते इन सभी फिल्मों को हिंदी में डब कर। और फिर ये फिल्म कुछ टाइम्स के बाद टेलीविजन पर दिखाई जाती है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि उन्हें कैसा प्रॉफिट होता होगा इस फिल्म को टीवी पर दिखाकर। तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, टेलीविजन आज की तारीख में काफी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। वो लोग फिल्म को कुछ टाइम के बाद खरीदते हैं जब फिल्म की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, उसके बाद वो फिल्म उन्हें काफी कम दामों में मिलती है, जिसे वो टेलीविजन पर दिखाकर एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेते हैं। और जब फिल्में नई होती है तो उसकी मार्केट काफी ज्यादा होती है, इसलिए उस फिल्म का प्राइस ज्यादा होता है। और आपने एक और चीज नोटिस की होगी कि वार्नर ब्रदर्स की सुसाइड स्क्वाड और वंडर वुमन मूवी हिंदी में रिलीज नहीं हुई थी, लेकिन जस्टिस लीग को हिंदी में रिलीज किया गया था। तो अब आपको उसका रीजन समझ आ गया होगा, क्योंकि उस फिल्म का डिमांड हमारे इंडिया में भी था और इस फिल्म ने हमारे इंडिया से एक ठीक ठाक बिजनेस किया था। तो अब देखना यह है कि इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्यूचर में वार्नर ब्रदर्स की मूवीज खरीदेंगे या नहीं। वेल, तो आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जाते जाते मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ, तो अब जब कभी भी मैं वार्नर ब्रदर्स, यूनिवर्सल और सोनीस की कोई मूवीज के वीडियोस बनाऊंगा, जैसे कि ट्रेलर ब्रेकडाउन, मूवी रिव्यू और एंडिंग एक्सप्लेन करूंगा, तो मैं काफी कम इमेजेस पे काम चलाऊंगा या फिर मैं वीडियो ही ना लूं, मैं पूरे काम सिर्फ इमेजेस से ही चला लूं, क्योंकि मेरे काफी सारे वीडियोस पर कॉपीराइट क्लेम आया है, जिनमें से सभी वीडियोस वार्नर ब्रदर्स, सोनी और यूनिवर्सल पिक्चर्स की है, और इनमें एक और कंपनी है पैरामाउंट, मैं उसे तो भूल ही गया। तो मेरे चैनल पर जितनी भी इन कंपनीज की वीडियो है सभी पर कॉपीराइट क्लेम लगा हुआ है। कभी किसी पर कॉपीराइट क्लेम होता है तो कभी कॉपीराइट क्लेम हट जाता है। तो ये चीज क्या है उस बारे में तो मुझे कोई सलूशन नहीं मिला है, जबकि मैंने सभी वीडियोस को यूट्यूब की गाइडलाइन के अंदर रहकर ही डाला है, लेकिन फिर भी ये सभी कॉपीराइट क्लेम है। तो यही रीजन था मैं बाकी की मूवीज पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, क्योंकि उन पर इतनी मेहनत करने के बाद कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं उन सभी फिल्मों को भी कवर करूं, तो मैं उन सभी मूवीज के वीडियोस और इमेजेस काफी कम लूंगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक ही इमेज पर पूरी वीडियो खत्म कर दूं, क्योंकि हर मूवीज की इन्फॉर्मेशन देना आपको जरूरी है। वेल, तो इस बारे में आपके क्या सजेशंस हैं मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। इस चीज से मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा कि मैं फ्यूचर में आपको कैसी वीडियो दूं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन, बाय।